This news is brought to you by Chanakya IAS Academy. 29 years of excellence, extraordinary results every year. 5,000 plus selections in IAS, IFS, IPS and other civil services so far. For more information, contact 730-376-3540. मंडी शहर में पैदल चलने वालों के लिए बनाए गए फुटपाथ पर किए गए अतिक्रमण, आवारा कुत्तों और पशुओं से होने वाली दुर्घटनाओं से लोगों को निजात दिलाने के लिए जेल रोड के पूर्व पार्षद आकाश शर्मा ने पुलिस प्रशासन और नगर निगम से मांग उठाई है। पूर्व पार्षद आकाश शर्मा ने कहा कि दिन प्रतिदिन मंडी शहर की यातायात व्यवस्था बिगड़ती जा रही है व हर कहीं वाहन खड़े किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो पैदल चलने वाले लोगों के लिए फुटपाथ बनाए गए हैं, वहां पर रेहड़ी फड़ी वाले व सब्जी विक्रेता बैठे होते हैं, जिस कारण पैदल चलने वालों को, खासकर बच्चों, बुजुर्गों व महिलाओं को गंभीर दुर्घटना का खतरा बना हुआ है। उन्होंने कहा कि शहर में कहीं भी जेब्रा क्रॉसिंग नहीं है ताकि लोग आराम से सड़क को क्रॉस कर सकें। उन्होंने कहा कि सड़क के अंदर जितने भी स्कूल हैं वहां पर जेब्रा क्रॉसिंग बनाई जाए। आकाश शर्मा ने जिला प्रशासन, पुलिस और नगर निगम के कमिश्नर से त्वरित कार्रवाई की मांग की है। मंडी शहर में दिन प्रतिदिन अव्यवस्था का आलम बढ़ता जा रहा है। जहां हम ट्रैफिक व्यवस्था की बात करें तो जगह जगह जाम लगे हुए हैं, चाहे स्कूल बाज़ार की बात करें, चाहे आप नए ब्रिज की बात करें, चाहे मंडी के अन्य क्षेत्रों की बात करें, तो लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। जगह जगह जो है आवारा पशु, कुत्ते, गाय, भैंस और आपके जो बैल हैं वो लोगों को दुर्घटनाग्रस्त कर रहे हैं, और जो पैदल फुटपाथ लोगों को चलने के लिए बनाए गए हैं वहाँ पर अतिक्रमण किया गया है। वहाँ पर आपके जो सब्जियों के टोकरे हैं वो लगाए जाते हैं, आपके गाड़ियों को पार्किंग किया जाता है, और आज जो मंडी शहर का बुज़ुर्ग, महिला और बच्चे लोग हैं, जब वो स्कूल से निकलते हैं और सड़क में चलते हैं तो उनको चलना तक जो है वो दुभर हो गया हुआ है। नगर निगम बनने के बाद बहुत यह सुझाव दिए गए कि व्यवस्थित ढंग से जो है मंडी शहर का वातावरण बनेगा, मंडी शहर को सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, लेकिन आज दिन प्रतिदिन जो है शहर की दुर्गति की ओर शहर अग्रसर है और आम जनमानस का जीवन जो है अस्त व्यस्त होता हुआ जा रहा है। कहीं भी किसी भी मोड़ पे, चाहे हमारे बुज़ुर्ग या लोग सवेरे मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे हैं वो दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं, दिन में यदि बाज़ार में आते हैं तो आवारा पशु और फुटपाथ पे चलने को जगह नहीं है, तो ये सारी समस्याएं विकराल रूप धारण कर रही हैं। हमने प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को और नगर निगम कमिश्नर को अतिशीघ्र कार्यवाही करने हेतु कहा। एक जेब्रा क्रॉसिंग का प्रबंध जो है वो करवाया गया था, जो मेन स्पॉट है शहर में स्टेट बैंक के पास और आपका स्कूलों के बाहर, लेकिन जेब्रा क्रॉस पे जो है कोई भी व्हीकल्स रुकती नहीं है, और जो बच्चे जब स्कूल से निकलते हैं या लोगों ने सड़क को पार करना होता है तो उनको कितना कितना समय लगता है और बड़ी मुश्किलात से जो है वो एक छोर से दूसरी छोर की तरफ जाते हैं। तो हमारा ये भी आग्रह है कि इसकी उचित व्यवस्था की जाए ताकि आम राहगीर को जो है परेशानी का अनुभव करना पड़े। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए मंडी से विप्लव सकलानी की रिपोर्ट। दिव्य हिमाचल मीडिया ग्रुप अपने पाठकों के लिए एक बार फिर लेकर आया है कौन बनेगा लखपति इनामी कूपन योजना, जिसमें आप जीत सकते हैं 1,00,000 का नकद इनाम, एलईडी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन और ढेरों आकर्षक इनाम। इनामी कूपन प्रकाशित होंगे दिव्य हिमाचल समाचार पत्र में, जिन्हें एकत्रित कर भेजना होगा दिव्य हिमाचल कार्यालय। तो आज ही दिव्य हिमाचल समाचार पत्र की प्रति बुक करवाने के लिए अपने नजदीकी हॉकर या न्यूज पेपर एजेंसी से संपर्क करें या फिर हमें कॉल करें 01892264713 पर।